खेलने का स्थान नहीं है। हाँ हाँ है पता मुझे, इसलिए तो हूँ नाश्ता में यहाँ। तुम्हें पता है ना, ये नगाड़ा सिर्फ तभी बजाया जाता है जब परिलोक में कोई शुभ अवसर होता है। हाँ है पता। बालवीर, हमने ही डुबा डुबा एक को नगाड़ा बजाने के लिए कहा था, शुभ अवसर की घोषणा करने के लिए। कौन सा शुभ अवसर बालपरी? परियो, कल परिलोक में सूर्य पूर्णिमा का शुभ अवसर है। सूर्य पूर्णिमा? ये तो मैं भूल ही गई थी। वाह, सूर्य पूर्णिमा। माँ, ये सूर्य पूर्णिमा क्या है और इसकी खासियत क्या है? बालवीर, सूर्य पूर्णिमा परिलोक में 100 वर्षों में एक बार आती है और उस दिन सूर्य कुछ पलों के लिए हमेशा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसमें से शक्तिशाली ऊर्जाएं जागृत होती है और हम सारी परियां इस ऊर्जा को जमा करती हैं और फिर सारी जमा करी हुई ऊर्जा हम परी तारा में भेज देते हैं ताकि समय समय पर वो ऊर्जा हमारे जादुई दंड और इस पूरे परिलोक को मिलती रहे। हाँ। फिर तो ये सूर्य पूर्णिमा का अवसर परिलोक के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बालवीर, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब कल होने वाली सूर्य पूर्णिमा की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जी हाँ। स्क्रू ढीला कर रहा हूँ। बस आपके दिमाग का स्क्रू ढीला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज के स्क्रू ढीले ही करते रहो। चुप, चुपचाप खड़े रहो और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का ग्रेट दिमाग देखो। कमाल करते हो बॉस, जो है ही नहीं उसको कैसे देखे। ओए बच्चे लोग, चलो गर्दी कम करो। देखा, मेरे कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। देख, देखा? क्या हुआ? मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा। बस अब ये स्क्रू टाइट दो। क्यों? ये बेंच का स्क्रू टाइट करना है? नहीं बस, आपके दिमाग का स्क्रू टाइट करना है। बेवकूफ, मैं तुम्हें मानव मेहर को गिराने का इतना अच्छा आइडिया दे रहा हूँ और पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हो। सर, बस मैं क्या कहता हूँ, इसे हम लोग टाइट कर देते हैं और मानव मेहर को यहाँ बिठाने के लिए बुलाते हैं। नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ डेमो दिखा रहा था। मानव मेहर की क्लासरूम वाली बेंच के स्क्रू मैंने पहले ही ढीले कर दिए और जब मानव मेहर क्लास में आएंगे और उनकी फर्स्ट बेंच पर बैठेंगे वो बेंच टूट जाएगी और वो दोनों नीचे गिरेंगे और फिर सब आप पर हंसेंगे। बेवकूफ, मुझ पर नहीं उन पर हंसेंगे। ओए, अब क्या हुआ? बस ये तो खुशी की हंसी है, खुशी की। बस क्या ब्रिलियंट प्लान बनाया है आपने। बस अब चलो, क्लास में जाने का टाइम और है। अब मानव मेहर के गिरने का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। चलो। तौबा तौबा। अब कौन सी नई बेसुरी धुन बना रहे हो तुम? देख लो आप खुद ही। बर्बाद लोग? बर्बाद लोग नहीं, छल लोग है ये, छल लोग। चल चल ला चल। अरे चल चला चल कीजिए बाद में। अरे रह रहे कि आपके साथ हो चुका हूँ मैं भी फटेहाल। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या? मतलब है आ गया समय यहाँ से भी चलने का? कि नहीं चाहेगी आप तो आकर बाबे भगाएगा आपको। तौबा तौबा।
चल परी, आपको मेरा बड़ा सा सलाम। खोजो खोजो, तुम इतने सालों बाद, बताओ क्या खुशखबरी लाए हो? आपका कार्य पूरा हो गया है छल परी। इतने समय के बाद आज खुशी का संगीत गूंजा है मेरे कानों में। हाँ, जो जल्दी बदल जाएगा दुख के संगीत में। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तौबा तौबा, इस बार तो ये गीत सुरीले ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि परियों और बालवीर के प्यारे बच्चों के लिए दुख और तकलीफ का संगीत बनेगा मेरा नया हथियार। चलो खोजो खोजो, अब जल्दी से मुझे मेरे नए हथियार के पास ले चलो। ये? और तुम भी मेरे साथ चलो तौबा तौबा। जैसा तुम चाहो चल परी। ये बेवकूफ ना समझ परी, खुद तो गई उड़ के, लेकिन आऊंगा मैं कैसे? आधा पीरियड तो खत्म भी हो गया, लेकिन सर अभी तक नहीं आए। ये क्या बात कर रहे हैं? सर यहाँ पर ही है। यहीं पर है? कहाँ है सर? देख, मेरा सर, मानव का सर, अरे मेहर का सर। अरे तुम लोग मेरी बात सुनकर सर क्यों पीटने लगे? सर को पीटना छोड़, लेकिन तुम गंदी कॉमेडी करेगा ना तो पीट दूंगी। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। हेलो स्टूपिड चिल्ड्रन। स्टूपिड किसको बोला? स्टूपिड किसको बोला? स्टूपिड किसको बोला? सॉरी 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 मोंटू सर। चल जाकर अपनी जगह पर बैठ। चल नहीं। और मानो मैं, तुम दोनों जाओ अपनी फर्स्ट बेंच पर जाकर बैठो। क्यों? तू किसको डील है? बॉस के। और अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी ना, वो तुम्हारे इसको डीला कर देंगे। ए, चुप, वरना वरना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलो बच्चों अपने अपने जगह पर जाके बैठो। अब आएगा मजा, जैसे ही मानो मेरे गिरेंगे सबके सामने उनका मजाक बनेगा। रुको मानो मेहर, आज मोंटू तुम्हारी जगह फर्स्ट बेंच पे बैठेगा और तुम लोग उसकी जगह बैठोगे। ओके सर। मैं क्यों बैठूं फर्स्ट बेंच पे? मतलब क्यों सर फर्स्ट बेंच? क्योंकि मोंटू तुम जब पीछे बैठते हो तो पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हो। सर मैं यहाँ पीछे बैठकर ही अच्छे से पढ़ूंगा, प्रॉमिस सर। नहीं मोंटू, तुम आगे ही बैठोगे ताकि मैं तुम पे और तुम पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं। चलो जाओ माना मैं, तुम वहां पे बैठो। यस सर। और मोंटू तुम आगे आओ। मोंटू सर तुझे अच्छा मौका दे रहे हैं पढ़ाई में आगे बढ़ने का। सर मैं फर्स्ट बेंच पे खड़े खड़े ध्यान दूंगा, बैठूंगा नहीं। मोंटू अगर तुम सामने खड़े रहोगे तो पीछे वाले बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? मोंटू बेंच जाओ।
शुक्रिया खोजो 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 ये क्या अजीब सा यंत्र ढूंढ रही आप कौन सा नया हथियार यहाँ अभी पता चल जाएगा तौबा तौबा ये लो और खो दो उस जगह को अरे था जाना ही आपको गड्ढे में तो चली जाती वही छल्लोक में बेवकूफ तौबा तौबा उस जमीन के नीचे हमारी जीत का संगीत छुपा हुआ है जल्दी खोदो नहीं खोदूंगा मैं क्या हूं मैं खोदता जान से है क्या छुपा इसके नीचे बुराई का चेहरा यानी जादुई मुखौटा है इसके नीचे जादुई मुखौटा ये क्या नहीं बना बला से भी खतरनाक समझो ये समझ लो कि ये बुराई का अंश है नकाब है ये जादुई मुखौटा आज से 150 वर्ष पहले वाह मुखौटा नाथ बड़ी अच्छी युक्ति निकाली है तुमने अब तुम्हारे बनाए हुए जादुई बुराई के मुखौटे से हर बच्चे और हर सच्चे इंसान को बुरा बना दो बस एक बार मेरा मुखौटे का ये परीक्षण सफल हो जाए फिर पृथ्वी लोक के हर सच्चे और अच्छे बच्चे और इंसान के चेहरे पे ये मुखौटा होगा और परियों को पता भी नहीं चलेगा छल परी तुम्हारे बुरे इरादों के बारे में हमें पता चल गया है परियां छल लोक में हाँ और यही छल लोक में ही तुम्हें और तुम्हारे बुरे इरादों का अंत कर देंगे नटखट परी आक्रमण हाँ बालमणि और फिर मैं परियों को धोखा देकर वापस उसी जगह पहुंच गई बेवकूफ परियां बुराई के आतंक को फैलाने के लिए मुझे जिस हथियार की जरूरत थी उसे तो वो मेरे लिए यही छोड़ दी अब मैं इस जादुई मुखौटे को पृथ्वी लोक के हर बच्चे और हर बड़े के चेहरे पे लगाकर उन्हें अपनी तरह बुरा बना दूंगी बेवकूफ तो तुम हो छल परी तुम्हारी योजना जानने के लिए हमने जानबूझकर तुम्हें बचकर भागने दिया था छल परी बचकर तो मैं अब भी निकल जाऊंगी परियों लेकिन इस बार अकेली नहीं इस मुखौटे के साथ मुखौटा कहाँ है?
अब वो जादुई मुखौटा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे हमने ऐसी जगह छुपा दिया है जहाँ से तुम उसे कभी नहीं हासिल कर पाओगी। नहीं, तुम मुझसे मेरा जादुई मुखौटा नहीं छीन सकती, नहीं। और तब मैंने खोजो खोजो को उस जादुई मुखौटे को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। ढूंढो ढूंढो, खोजो खोजो, वो जादुई मुखौटा ढूंढो। जमीन आसमान एक कर दो, धरती पे ढूंढो, आकाश में ढूंढो, पाताल में ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, कुछ भी करो, कैसे भी मुझे वो जादुई मुखौटा चाहिए। भले ही हजारों साल क्यों ना बीत जाए, लेकिन अपना बदला लेने के लिए मुझे उन बच्चों को बुरा बनाना है, और उसके लिए मुझे वो मुखौटा हर हाल में चाहिए। ठीक है छल परी, और ये मेरा वादा है कि मैं आपके पास तभी आऊंगा जब मुझे आपका जादुई मुखौटा मिल जाएगा। खोजो खोजो ने इसी जगह उस जादुई मुखौटे को ढूंढ निकाला। अरे तो फिर कर रहे हो क्यों बातों में समय व्यर्थ? मैं खोता पड़ा पड़ा। आराम से मंटू, आराम से। रोहित ध्यान रखना बेटा। मोंटो, अभी तुम गिरे हो, फिर तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई। सॉरी सर। बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल हमारे स्कूल में हमेशा की तरह फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। साइलेंस साइलेंस। इसलिए आज घर जाके फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देना। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बॉस, तो आराम से हाथी बनकर आ सकते हो, या फिर बॉस आप जोकर बनो। वैसे भी सब आप पर हमेशा हंसते ही रहते हैं। चलो बच्चों, अभी रिसेस हो गई है और तुम अपना लंच बॉक्स निकाल लो। मालूम है ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या होता है? चल अभी रिसेस हो गई है ना, बाहर आ, मैं तुझे बताती हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या होता है। चल आ जा। रुको सब लोग, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ और बॉस पे हंसो। ओके बॉस को पीटो। ओए, सब लोग सुनो, सब लोग एक एक करके मुझे अपना टिफिन देंगे। जी मोंटू, पहले हमें अपना टिफिन तो खाने दे, फिर उसे आराम से दे लेना। चुप चुप चाप, सब लोग टिफिन दो वरना एक एक को धो डालूंगा। अरे देना,